हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं वीसी और आप देख रहे हैं बोन टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एशियन पेंट का जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे कैसा इसका रिजल्ट रहा है और आगे क्या इसमें कर सकते हैं, कौन से इसके सपोर्ट होंगे, कौन से इसके रेजिस्टेंस होंगे, क्या इसके टारगेट एंड लेवल्स होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो पहले हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आप देखते तो एक्सेलेंट क्वालिटी की एक कंपनी है। एक्सेलेंट क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसका सेल्स ग्रोथ देखिएगा तो 8.27 इसका सेल्स ग्रोथ है। बाद में नेट डेप टू इक्विटी रेशियो देखे तो नेगेटिव नेट डेप टू इक्विटी रेशियो है, मतलब इतनी ज्यादा इस पर ये इफेक्ट नहीं करा, बेहतर है कि ये नेगेटिव नेट डेप टू इक्विटी रेशियो है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 11.88% की प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन एक अच्छी कंपनी है। और एक क्या है कि अच्छे फंडामेंटल वाली आपको कंपनी मिल रही है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एक माइंड में बात रखें कि प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है। बाद में हम इस कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो हाल फिलहाल वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये अपनी वेबसाइट के थ्रू ये सब बताता है। ऐसा नहीं होता कि इसमें वेरी एक्सपेंसिव है तो आपको वेरी एक्सपेंसिव मिल रहा है। और एक बात याद रखें, अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे ही मिलती है। बाद में इसका पी रेशियो देखते हैं तो पी रेशियो 65.96 है। बाद में ईवी टू इबिटा रेशियो देख ले तो 42 का ईवी टू इबिटा रेशियो है। बाद में आरओसी देखते तो आरओसी 36.67 है। बाद में आरओई देखते तो आरओ 25.68 है। मतलब इन सिंपल हम कंपनी का फंडामेंटल, नॉर्मल फंडामेंटल देख रहे हैं तो एक अच्छी कंपनी हमें मिल रही है। अभी हम इस कंपनी का क्वार्टरली क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि नेट सेल्स जो हमारे पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को हम कंपेयर करेंगे तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में आपको नेट सेल्स में 7.32% की एक अपसाइड दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 7.16% की डाउनसाइड देखने को मिली है इसमें। बाद में हम क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 3.04% की अपसाइड दिखाई दे रही है। इन सिंपल हमें क्या है कि नेट सेल्स में अपसाइड दिखाई दे रही है लेकिन नेट प्रॉफिट डाउनसाइड दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये इतनी अच्छी बात नहीं होती किसी भी कंपनी के लिए। अभी हम इस कंपनी का ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो इसमें आपको नेट सेल्स में 2.39% की अपसाइड दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें तो जिसमें 20.27% की अपसाइड दिखाई दे रही, जो भी एक अच्छी बात है। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जिसमें आपको 2.24% की अपसाइड दिखाई दे रही, जो भी एक अच्छी बात है। तो हम ईयर टू ईयर क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे तो इसमें एक अच्छी सी अपसाइड दिखाई दे रही है, मतलब एक अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन जब हम क्वार्टरली क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर को कंपेयर करें तो जिसमें आपको नेट सेल्स में डाउनसाइड दिखाई दे रही है, जो कि किसी भी स्टॉक या कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती, उसका सीधा इफेक्ट आपको स्टॉक पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से आपके सपोर्ट होंगे, कौन से आपके रेजिस्टेंस होंगे चार्ट पे, जहां से आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सको। तो अब हम आ चुके हैं एशियन पेंट के चार्ट के ऊपर। तो जो हाल फिलहाल की क्लोजिंग प्राइस है वो 1773 है। अगर मैं इसके रेजिस्टेंस या सपोर्ट की बात करूं तो पहले मैं सपोर्ट की बात कर लेता हूं। अगर ये इसके नीचे गया तो जो मेरा पहला सपोर्ट होगा वो क्या होगा, तो जो मेरा पहला सपोर्ट होगा ये रेड कलर की राइजिंग सपोर्ट लाइन होगी। तो इसको मैं ड्रॉ कैसे किया, तो पहले एक ये पॉइंट लिया और एक ये पॉइंट लिया, इससे मैंने ये ड्रॉ किए हुए। तो इसमें अगर ये नीचे आके, थोड़ा नीचे आके इस लाइन पे इधर कहीं अगर सपोर्ट लेके अपर जाने का साइन देता है तब आप अपनी इसमें बाइंग पोजीशन में आ सकते हो। लगन अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा वो कौन सा होगा, तो जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट होगा वो ये ग्रीन कलर की लाइन होगी जो आ रही है 1675 के आसपास। तो अगर ये नीचे आके इस लाइन के आसपास से फिर से कोई अपसाइड जाने का सिग्नल देता है तब आप अपनी इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो, लेकिन वहां देखिए प्रॉपर अगर रिवर्सल टाइप मिले तब की बात है। अगर ये इस लाइन को भी ब्रेक करके नीचे चला गया तब हमारा दूसरा सपोर्ट कौन सा होगा, तो जो हमारा दूसरा सपोर्ट होगा वो होगा 1625 के आसपास। अगर ये नीचे आके इस लाइन जो 1625 का लेवल है वहां कोई बाय साइड का सिग्नल देता है तब आप अपनी इसमें लॉन्ग टर्म में पोजीशन बना सकते हो, लेकिन देखना पड़ेगा वहां आपको प्रॉपर रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। अगर ये इसके भी नीचे आ गया तो जो हमारा आखिरी एंड लास्ट सपोर्ट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 1500 का लेवल, जो ये लास्ट वाली लाइन है उसकी बात करें। तो अगर ये नीचे आके 1500 के लेवल के आसपास से फिर से कोई बाइंग सिग्नल आपको देता है इन फ्यूचर
तब आप इसमें अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हो। लेकिन इसके बीच में एक 200 की लाइन भी आ रही है जो हाल फिलहाल है 1583 पे। तो अगर यहाँ पे भी कोई ये लाइन पे भी यहाँ पे मैं मतलब वो लेवल चेंज होता रहे तो इस लाइन पे भी अगर आपको इन फ्यूचर कोई सिग्नल मिलता है बाइंग साइड का तब भी आप इसमें अपनी क्या है कि इस लाइन को सपोर्ट मान के बाइंग एंट्री बना सकते हो। तो ये थे हमारे सपोर्ट एशियन पेंट में। अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं तो हाल फिलहाल जो इसका हाई है वही इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है जो है 1865 का लेवल। अगर ये इसको भी इन फ्यूचर ब्रेक करके अबोव चला जाता है तब हम दूसरे और रेजिस्टेंस देखेंगे फिबोनाची रेशियो और पिवोट की वजह से हम देखते हैं तो उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसको ब्रेक करने दो बाद की बात है वो। तो देखिए जो मेरी लॉन्ग टर्म पोजीशन होगी तो मैं दो लाइन के बीच में ही कहीं पे बाय करूंगा अगर मेरे को लॉन्ग टर्म में बाय करना है। मैं पर्सनली स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहता हूं लेकिन मैं देखूंगा, समझ गए, ये अपसाइड चला गया था तब भी मैं इसमें बाय किया या नहीं। क्यों? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें आपको वेट करना पड़ता है, वो डीप में जब जाए तब आपको बाय करना होता है। तो मैं देखूंगा ये 1625 का लेवल या 1500 का लेवल या ये 200 की मूविंग एवरेज किसी भी मेरे को ऐसा लगे कि नहीं यहाँ से ये रिवर्स होके अप जा रहा है तब मैं इसमें अपनी पोजिशन बनाऊंगा। तो ये थे आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एशियन पेंट में। अभी हाल फिलहाल जो हम आरएसआई और जो होता है एमएसडी उसका भी देख लेते हैं। मैं आरएसआई एंड एमएसडी पे वर्क नहीं करता लेकिन लोग बोलते हैं कि आप आरएसआई एंड एमएसडी बताया कीजिए सो में आइडिया है। तो मैं आरएसआई एंड एमएसडी की क्या सिचुएशन है अभी वो आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने RSI एंड MACD चार्ट पे लगा दिया है। जो अभी हाल फिलहाल RSI का लेवल है वो 46.98 है। तो अभी ये ना तो ओवरसोल्ड जोन में ना तो ये ओवरबोट जोन में। इन फ्यूचर अगर इसमें गिरावट आपको देखने को मिलती है तब ये ओवरसोल्ड जोन में जाता हुआ आपको दिख सकता है। और आप RSI देख रहे हो तो RSI पे हाल फिलहाल एक डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुआ दिख रहा है। देखिए आप इधर अपना चार्ट एक अपर के एंगल में है और आपका जो MACD और क्या है कि RSI, नॉर्मली हम RSI देख रहे हैं तो RSI एक स्ट्रेट लाइन में और थोड़ा सा या तो ना के बराबर थोड़ा डाउन साइड है तो इसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो ये डाइवर्जेंस भी आपको एशियन पेंट में हाल फिलहाल वन डे के चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो देखिए अपनी एनालिसिस कीजिए, बाद में कुछ बाइंग या सेलिंग का आप क्या है कि प्लान बनाइए। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो मेरी एनालिसिस होती है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, ऐसा नहीं होता कि इसमें जो हम बोल रहे हैं वहां बाय कर लो। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडाइसिस हो, अगर आप किसी को फॉलो करें वो कुछ बोल रहा है, कोई लेवल दे रहा है तो आप वहां देखिए आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं उस लेवल पे मैं बाय कर सकता हूँ, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही रहेगा, तब आप कुछ कीजिए। इन सिंपल मैं कहना यह चाहता हूँ कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आप मेरे को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, दूसरे और को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। आप देख रहे ओके उसने कुछ बोला सही है, आप उस पर अपनी एनालिसिस कीजिए। अगर एनालिसिस आती है तब की बात है, अगर नहीं आती तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले लर्निंग कर लीजिए, समझ गए। अगर एनालिसिस आती है तो पहले अपनी एनालिसिस कीजिए, वहां आपको सही लग रहा है तब आप कोई बाइंग या सेलिंग का प्लान बनाइए, समझ गए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।